तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करता हूं मैं अपने डेंटेक चैनल में। आज मैं लेके आया बहुत ही कमाल वीडियो जो है Asus Vivobook Flip 14 के बारे में। जैसा कि मैं बता दूं, Asus ने अपने Asus ROG सीरीज और वही Asus ने अपने Vivobook लाइनअप और वही ZenBook लाइनअप को पूरा अपडेट कर चुका है। मींस कि अगर आपको नया लैपटॉप लेना था तो आप इनके भी लैपटॉप देख सकते हो, जहां पर आपको लेटेस्ट AMD के प्रोसेसर या इंटेल के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे डिजाइन देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे पावरफुल आपको लैपटॉप भी देखने को मिल सकते हैं इनकी तरफ से। तो आप चाहे तो इनके लैपटॉप को भी देख सकते हो। अब बात करेंगे इस वीडियो में Asus Vivobook Flip 14 के बारे में, जहां पे इसकी स्पेसिफिकेशन जानेंगे और वही प्राइस जानेंगे और वही ये भी जानेंगे क्या इसको लेना सही रहेगा कि नहीं, या फिर इसके अच्छा कोई दूसरा बेटर ऑप्शन है कि नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहता हूं कि आप मिस ना कर दो। चलिए Asus Vivobook Flip 14 के पूरे स्पेसिफिकेशन जानते हैं। तो यहाँ पे पहली बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे डिजाइन में मैं बता दूँ, काफी अच्छे डिजाइन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसमें आपको 20 स्पोक ब्लैक मेटल फिनिश चेजेस के साथ यहाँ पे पूरा डिजाइन देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यहाँ पे डिजाइन पूरा मेटल बॉडी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको स्टडी फिनिश देखने को मिलेगा, काफी प्रीमियम लुक भी देखने को मिलता है और यहाँ पे फिनिश भी काफी अच्छी खासी है इस लैपटॉप में। और वही ये लैपटॉप काफी मॉडर्न डिजाइन के साथ है, जो अराउंड आपको 18.2 mm थिकनेस पे है। मीन्स काफी स्लिम डिजाइन है, काफी कॉम्पैक्ट साइज का ये लैपटॉप है। तो यहाँ पे आप आराम से कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि कैरी और पोर्टेबल में भी आपको इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ये अराउंड जस्ट 1.5 kg का लैपटॉप है। तो और डिजाइन में आपको ये निराश भी नहीं करे और काफी अच्छी डिजाइन देता है Asus Vivobook Flip 14। चलिए अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो यहाँ पे इस लैपटॉप में आपको AMD Ryzen प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो AMD Ryzen 4000U है, जो काफी लेटेस्ट प्रोसेसर है AMD की तरफ से, और काफी पावरफुल प्रोसेसर और काफी बैटरी एफिशिएंट भी प्रोसेसर है। यहाँ पे मैं बता दूं, आपको 3 प्रोसेसर अवेलेबल देखने को मिलेंगे इस लैपटॉप में। यहाँ पे आपको R3 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, R3 4300U, जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, और वहीं आपको R5 4500U देखने को मिलेगा, जो हेक्सा कोर प्रोसेसर है, और वहीं आपको R7 4700U प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ओवरऑल यहाँ पे प्रोसेसर, यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जो काफी अच्छे प्रोसेसर है। और अब बात करते हैं इसमें आपको रैम की। यहाँ पे इसमें रैम आपको LPDDR4XX रैम देखने को मिली है, जो काफी बैटरी एफिशिएंट और काफी पावरफुल भी है, काफी फास्ट भी है। और वहीं यहाँ पे आपको 3200mAh के बेस पे आपको ये रैम देखने को मिलती है, जो काफी स्पीडी रैम है। और यहाँ पे आपको 8GB ऑप्शन देखने को मिले, और वहीं आप 16GB चाहो तो वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हो इस लैपटॉप में। तो अब बात करते हैं इसके स्टोरेज की। यहाँ पे आपको SSD बेस्ड स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो 3 ऑप्शन के साथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 256GB स्टोरेज का भी ऑप्शन देखने मिलेगा, वही 512GB, और वहीं आपको ज्यादा स्टोरेज चाहिए 1TB स्टोरेज के साथ भी जा सकते हो। जो यहाँ पे आपको स्टोरेज SSD बेस्ड देखने वाले, जो PCI SSD है, जो काफी अच्छी, काफी फास्ट, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। दोस्तों, इसका डिस्प्ले मेन हाईलाइट है, क्योंकि इसमें आपको नैनो एज टच डिस्प्ले देखने को मिले है, जो काफी थिन बेजल के साथ आता है, काफी आपको कम बेजल देखने को मिलेगा साइड में, जहाँ पे आपको 82% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलते हैं। वही यहाँ पे रिजोल्यूशन 1080p/1920 मीन्स फुल HD रिजोल्यूशन के साथ आपको इसका डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये 2-in-1 लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको 360° का मेटल हिंज यहाँ पे यूज किया गया है। और यहाँ पे Asus ने ये भी बताया, यहाँ पे अप टू 20,000 टाइम टेस्ट किया गया है, यहाँ पे ये लैपटॉप पास हो चुका है, अप टू 20,000 टाइम टेस्ट किया गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे डिस्प्ले भी काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। और वही ये 2-in-1 लैपटॉप है, तो यहाँ पे आपको अगर आप रोटेट भी करते हो तो यहाँ पे व्यू एंगल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे इसमें Asus में आपको 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल देखने को मिलेगा, मीन्स के व्यूइंग एंगल में भी आपको ये निराश नहीं करेगा। और यहाँ पे आउटडोर भी आप इसे काफी अच्छा यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको sRGB 100% मिलेगा। और यहाँ पे Asus ने ये भी बताया कि यहाँ पे इसमें जो 13-inch के जो चेसिस आती है मेटल चेसिस, यहाँ पे उसमें इन्होंने 14-inch का डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, जो काफी अच्छी बात है। मीन्स के यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट सा डिजाइन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस लैपटॉप को आप, ये 2-in-1 लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप लैपटॉप की तरह तो यूज भी कर सकते हो, वहीं साथ साथ इसको आप यहाँ पे आप टैबलेट की तरह भी यूज कर सकते हो, जो काफी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये टच में भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक पेन भी देखने को मिलेगा Asus की तरफ से, जो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, पेन होल्डर भी रखने को मिलेगा। और यहाँ पे इनका सॉफ्टवेयर भी काफी अच्छा खासा ऑप्टिमाइज है, तो यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको काफी अच्छा ये Asus Vivobook Flip 14 आपको परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा, डिस्प्ले की भी काफी अच्छा खासा प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। यहाँ पे Asus Vivobook Flip 14 में आपको 3-cell based लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिले, जो 50 Wh की है, और वहीं यहाँ पे आपको 45 Wh का आपको पावर अडेप्टर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे Asus ने ये भी बताया कि यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, मीन्स के 49 मिनट में यहाँ पे 60% आपका लैपटॉप चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे काफी एवरेज सी बैटरी लाइफ देखने को मिले, जो अराउंड 5-6 आवर का बैटरी लाइफ देखने को मिले,
है, लेकिन प्लस पॉइंट ये यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं इसके पोर्ट्स के बारे में। इस लैपटॉप में आपको A1 USB टाइप ए का पोर्ट देखने है, जो USB 3.2 Gen 2 के पे बेस है, और यहाँ पे टाइप ए का पोर्ट यहाँ पे USB 2.0 के पे बेस मिलेगा, और वहीं आपको USB 3.2 Gen 2 के बेस पे आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट देखने को मिलेगा, आपको माइक्रो SD कार्ड रीडर का भी पोर्ट देखने को मिलेगा, और वहीं साथ साथ आपको ऑडियो कॉम्बो जैक भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पोर्ट भी काफी ठीक ठाक सही है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे ये काफी बजट से ही लैपटॉप है। यहाँ पे इसकी प्राइस बताऊँ तो यहाँ पे आपको अराउंड 49,999 मीन्स के 50,000 का ये लैपटॉप पड़ेगा इनका बेस वेरिएंट, जो R3 प्रोसेसर के साथ आता है। तो यहाँ पे असुस की तरफ से फ्लिप 14 2-in-1 लैपटॉप, तो काफी अच्छा खासा लैपटॉप है, जो बजट में 2-in-1 लैपटॉप 50,000 में जो R3 4th जनरेशन प्रोसेसर के साथ है, तो काफी अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिला है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी है, और काफी अच्छे प्राइस पे भी आता है। तो ओवरऑल यहाँ पे ये निराश भी नहीं करे, काफी वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, और कमेंट करके अपना फीडबैक देना आप किस टॉपिक में नया वीडियो देखना चाहते हो। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहता हूँ, तो आप मिस ना कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।